तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स टाइप के लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। हालांकि ये डाटा बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे क्रोस में दिया हुआ है और पीडीएफ को भी थोड़ा सा कंपनी ने टेढ़ा पोस्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप। डाटा बेसिकली क्रोस में पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 173 करोड़ के आसपास, पिछले साल 547 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के मात्र 67 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक बड़ा सरप्राइज ये देखने को मिला है कि अभी मैंने अभी कुछ दिनों पहले कल्याण ज्वेलर्स के भी नंबर आए थे, बहुत शानदार कंपनी के नंबर थे, बहुत शानदार कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला था। आज सेम बिजनेस कर रही है पीसी ज्वेलर्स भी, लेकिन पीसी ज्वेलर्स की यहाँ पे देखने को मिला है कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली आप वहाँ पर बोल सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर 88% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 60% के आसपास की गिरावट है। तो इतनी बड़ी गिरावट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अगर कल्याण ज्वेलर्स के भी नंबर ऐसे ही आते तो मान सकते थे कि हाँ कंपनी के सेक्टर के नंबर खराब आ रहे हैं, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के नंबर रेवेन्यू वाइज बहुत ज़्यादा आते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। अगर पीसी ज्वेलर्स के खराब आ रहे हैं इसका मतलब कंपनी के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं कंपनी के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 335 करोड़ के खर्च किए थे, पिछले साल 591 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 242 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे जो है इस क्वार्टर में कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल करने से क्या फ़ायदा, कंपनी जब अपने रेवेन्यू को ही गिरा देती है 85% साल दर साल तो फिर मतलब ही नहीं कंपनी का एक्सपेंस या कंपनी का प्रॉफिट से। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो भी देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ का लॉस था, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 171 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी का जो लॉस है वो संभलता हुआ देखने को मिला है। आप लॉस क्यों देख रहे हैं, आप प्रॉफिट क्यों देख रहे हैं? अगर कंपनी अपना रेवेन्यू जीरो कर लेगी तो कंपनी का लॉस तो 10 करोड़ के आसपास आ जाएगा, तो क्या आप उसमें खुश हैं? क्या नहीं खुश हैं ना? आप खुश कब होंगे? जब कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू देगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू देगी तो कंपनी बिजनेस कर रही है, स्ट्रांग कर रही है, कंपनी ग्रोथ में आ रही है, कंपनी ग्रोथ में आ रही है तो ऑटोमेटिकली कंपनी का रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी जब अपना रेवेन्यू ही कम करते जा रही है तो उससे लॉस का क्या मतलब है? तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत ज़्यादा कमजोर देखने मिल रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। EPS देखें पिछले क्वार्टर में 6.5 रुपये का माइनस का, पिछले साल 1.60, अभी देखें तो 3.69 माइनस का देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर मुझे नहीं लग रहे हैं, शेयर निचले स्तर पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे ऑपरेटर भी इस शेयर के अंदर घुसे पड़े हुए हैं, तो देखते हैं मार्केट कैसे एड करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास नहीं है, ऐसे नंबर से अगर प्रॉफिट बुक हो तो निकल जाइए, बिल्कुल भी सोचिए बियॉन्ड। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।